देश में भी एक अच्छे अनुभवी जनर होने के लिए सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सम्मानित इसलिए हुआ नहीं है कि सम्मान किया जाता है, सम्मान कोई आधार पे होता है। आधार ये होता है कि पब्लिक से ओपिनियन लिया जाता है, लोगों से पूछा जाता है तो दुकान के बारे में, उनके सेल के, सर्विस के, मतलब टोटल पॉइंट पे करीब करीब 20 पॉइंट होता है जिसके आधार पर सर्वे होता है। उस आधार पर छांटा जाता है कि कौन दुकान इस लायक, उस हिसाब से बिहार के सर्वे में मेरा जो बिहार में अभी जो सर्वे हुआ इसमें बिहार का सर्वे था, तो बिहार में मोस्ट प्रेफर्ड ज्वेलर्स के रूप में मेरा चयन हुआ, जिसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मेरी रही। उसी आधार पर ये इनाम हमको दिया गया। ये रेडियो सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका इनाम दुबई में ग्रैंड हयात होटल, जो वहाँ का दुबई का सबसे बड़ा होटल 5-स्टार होटल है, उसमें ये इनाम दिया गया। इसमें जो भी 3 लोग थे हिंदुस्तान भर से, इनके 72 लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेंट हुए थे, जो अलग अलग क्षेत्र के थे, कुछ बिल्डर थे, कुछ डॉक्टर थे, और इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के लोग थे। ज्वेलरी के सेक्शन में सिर्फ हम ही अकेले थे जिन्होंने इस रैंकिंग को हासिल किया और जो हमको वहाँ इनाम मिला। ज्वेलरी के सेक्शन में आपने देश में ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि आप इतने हाईएस्ट रैंकिंग के साथ आप ये सम्मान, ये इनाम लेके हमारे देश, हमारे बिहार में आए, और ख़ास करके बिहार की राजधानी पटना में। ऐसे में आखिर वो क्या गुणवत्ता के माध्यम होते हैं जिसके तहत आज आप इस इनाम को हासिल किए हैं, इसके बारे में ब्रीफ में बताइए। देखिए, इससे पहले भी एक इनाम हमको मिला था, वो इससे भी बड़ा था। वो हिंदुस्तान भर का सर्वे हुआ था 2017 में, वो यूएसी एक संस्था है बॉम्बे में, जो बहुत बड़ा बड़ा इवेंट कराती है, जितना ज्वेलरी एक्सपो वगैरह आप हिंदुस्तान में देखती हैं वो वही कराती है। तो उसने हिंदुस्तान भर में एक सर्वे किया था मोस्ट प्रेफर्ड ज्वेलर्स का, उसमें भी हमको सबसे हाईएस्ट रैंकिंग से ये मिलाम मिला था, जो बॉम्बे में मिला था 2017 में। उसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार भी थे, राज सिप्पी थे, अंग मलिक थे, और चित्रांगदा सिंह के हाथों हमको उसमें पुरस्कार मिला था हाईएस्ट रैंकिंग के द्वारा। तो ये जो पुरस्कार मिलता है ये किसी खास चीज़ पर नहीं मिलता है, ये पूरी टोटल आपका परफॉर्मेंस क्या है, जेवर की क्या क्वालिटी, आपकी ग्राहक से रिलेशन क्या है, आप जेवर बेचने के बाद उनसे संबंध कैसा रखते हैं, कभी उनको मरम्मत या है कोई परेशानी है तो उसको किस तरह से दूर करते हैं, आप किस तरीके से उनकी इच्छाओं को पूरी कर तो कैसे पूरा करते हैं। क्योंकि मेरा अपना भी कारखाना है और मैन्युफैक्चरिंग का भी मेरा अपना काम है, इसलिए जो भी चीज़ आप अगर आपके दिमाग में है, कोई कल्पना में है कि हमको इस तरह का जेवर चाहिए, हम उसको बना के भी दे देते हैं। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से ले आती हैं जेवर, अगर मेरे यहाँ का नहीं भी बना हुआ, कहीं का भी है, अगर टूट फूट गया तो उसका मरम्मत भी इसी तरीके से करते हैं कि मरम्मत करने के बाद नए से भी अच्छे रूप में आप। ये तो बहुत सी चीज़ ऐसी है। दूसरी चीज़ है कि छोटे से छोटा सामान भी मेरे दुकान में ये मिल जाता है कि बच्चे का मुंडन है तो उसमें जो आपका मुंडन में चांदी की छोटी सी कटोरी, चांदी का अस्तूरा लगता है, या पूजा में भगवान की मूर्ति वगैरह पत्थर रखा रहता है, ये सब न्यू डालना है तो उसमें नाग नागिन का जोड़ा मिलता है। यानी छोटे से छोटा सामान और बड़े से बड़ा सामान को, अगर 20 भर का आप हार चाहिए, नेकलेस चाहिए, डायमंड का सेट चाहिए, जड़ाऊ कुंदन पुड़की चाहिए, वो भी मेरे दुकान में मिलता है, ओईजी भी मिलता। और ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक छोटा हो या बड़ा हो, जो अगर 500 की कील भी लेने आया तो उसके साथ भी उसी सम्यता से व्यवहार से उनको डील किया जाता है। जितना बड़े ग्राहक को, मेरे यहाँ ये नहीं है कि बड़ा ग्राहक है उसको अलग बैठाया, उसको अलग ट्रीटमेंट किया, छोटा ग्राहक उसको अलग बैठाया, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ खूबियाँ तो है ही। दूसरी चीज़ कि जो क्वालिटी मेरे दादा छोड़ गए थे, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड माप करके रखा था, जिस प्रकार सोने में कोई शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती थी, कोई मापदंड नहीं। आज ना आप हॉलमार्क हम सुन रहे हैं कि सरकार उसको वेरीफाई करती है कि सोने का कैरेट जितना होना चाहिए। मेरे दुकान में शुरू से इस चीज़ पर ध्यान रखा गया कि जो कैरेट आपको बेच रहे हैं, जिसका पैसा आपको उससे ले रहे हैं, आपको वो कैरेट का माल मिलना चाहिए। इस कारण दुकान पर विश्वसनीयता लोगों की बहुत है और मैंने कायम किया कि जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव ही करते जाएं,
ज़्यादातर दुकानों में ये हालत होती है कि जब दुकान चलने लगी, कोई भी प्रोडक्ट हो हिंदुस्तान में खासकर, कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा चालू हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। मेरे यहाँ उल्टा है, जैसे जैसे हम अपनी दुकान मेरी अच्छे रूप में आती गई, हमने सोने की क्वालिटी को भी ऊँचा करते गए और जितना हो सका था कि मैक्सिमम बढ़िया प्योरिटी का माल ग्राहक के यहाँ जाए और कभी भी वो ख़राब नहीं हो गए। अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत आती है किसी तरह, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आपकी शिकायत को दूर करें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पर दुकानदार ध्यान नहीं देते हैं, उसी कारण ये सब फर्क होता है। आज 105 साल तो मेरा रिकॉर्डेड है, जो हमारे यहाँ सरकार के यहाँ रिकॉर्ड है। ऐसे 122 साल पुरानी दुकान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम चला रहे हैं। आज हम इसी स्थिति में, मेरा नाम शशि शेखर रस्तोगी है और इसी कारण ये भी है कि जो हम समाज के लिए जो करते हैं तो करते हैं, अपने व्यवसाय के लिए भी लड़ते रहते हैं। सरकार से हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ते हैं और यही खास बात है कि आज 24 साल से लगातार स्वर्ण व्यवसाय संघ के अध्यक्ष के रूप में हम कार्यरत हैं और लोगों का बहुत विश्वास मेरे पर है। पूरे ज्वेलरी समुदाय मेरे साथ हम लोग खड़ा है।